आप सभी को राधा स्वामी सिटी मैम में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रीति चंद्रा एक बार फिर हाजिर हूँ आज के अनमोल विचार के साथ। कितने अनमोल है ये सत्संग के रिश्ते, जानते नहीं किसी को लेकिन फिर भी अपने से लगते हैं। राधा स्वामी सत्संग व्यास के सवाल जवाब सत्र के दौरान पूछे गए प्रश्न भले ही किसी एक संगत ने क्या हो, लेकिन बाबा जी द्वारा दिए गए उत्तर अनेकों संगत के मन की शंकाओं को दूर करते हैं। देखिए आज संगत ने बाबा जी से निजी जीवन भजन सिमरन को लेकर क्या क्या प्रश्न किए। ये महत्वपूर्ण अंश आरएसएस भी चैनल से ले गए। पूरा वीडियो तो हम आपको अपनी नीतियों के कारण नहीं दिखा सकते। पूरे वीडियो को देखने के लिए लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो देखिए बाबा जी ने क्या उत्तर दिया। बाबा जी, मैं ये चाहती हूँ कि ऐसा माहौल बने घर में, बच्चे जैसे अशांत हैं, पढ़ाई में फोकस कम है, टीवी मोबाइल में बहुत ज़्यादा है, हालांकि इनके पापा का भी यही हाल है। तो उसमें क्या होता है कि मैं जब अगर बैठना भी चाहूँ ना, तो मुझे ये बेचैनी रहती है कि इनका कहीं पे जहाँ पे जैसे मेंटेनेंस है घर की, या डिसिप्लिन है, या पढ़ाई है, उसमें कहीं पे भी मतलब मुझे पॉजिटिविटी कम नज़र आती है। बेटा, आप दूसरे को उतना ही दे सकती हैं जो आपके पास है, ठीक है ना। जब तक आपके मन में संतुलन नहीं होगा, आपके मन में चैन नहीं होगा, तो आप दूसरों को क्या देंगे। तो अगर हम भजन सिमरन करेंगे, हमारे में हिम्मत आएगी, तो अपने आप हम थोड़ा सा घर में डिसिप्लिन ला सकते हैं। और अगर हम घबरा के ही हम सोचते रहेंगे तो उसके साथ तो बात बिगड़ेगी, कोई सुधरेगी नहीं। बाबा जी, मैं बीच में मेरा अच्छा चल रहा था मेडिटेशन में, बट फिर वही है कि कुछ दिन बहुत अच्छा मुझे अच्छा लगा, रात दिन में बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद जैसे यहाँ तक कमर तक ठीक रहा मुझे, उसके बाद मेरा फोकस डाउन हो गया। आप परखों में मत पड़े, बस आप कहें मैंने तो बैठना है, मैंने तो करना है। हाँ जी, और अपने आप मालिक बख्शिश करेंगे, अपनी तरफ से वक्त पूरा देंगे। ठीक है बाबा जी, मैं इसमें फाइनली ये कहना चाह रही हूँ कि अब इंतजार नहीं होता है मुझे शब्द के दर्शन, मेरे को शब्द को पाना है। तो आप फिर और मेहनत करें बेटा। हाँ जी, मेहनत करेंगी, मालिक जरूर बख्शिश करेंगे। थैंक यू बाबा जी। बाबा जी, असि अगर कोई भी गलत काम करते हाँ तो बाद च उसनु सुधार भी लेने हाँ, इसका साडे कर्मां दे प्रभाव पैंदा है या नहीं? बेटा, कर्मां दे प्रभाव तो पाऊगा। हुण मैं देखो जी, मैं जहर खा रहा और बाद च मैनू एहसास हो गलत हो गया, पर वो तो असर करूंगा ना, ठीक है ना। सो इस करके सिखो जिंदगी तो, सोच विचार के कदम चुको, बजाय दे कि आप जल्दबाजी विच कदम चक के बह जाइए। बेटा, बाबा जी परिवार ते दया मेहर बनाए रख। राधा स्वामी सत्संग व्यास से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आने पर अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर भी करें।